एवरीवन, मैं आरबी जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान पीटीटी को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं तो कब तक होगा रिजल्ट जारी, इसको लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आगे की क्या प्रोसेस होगी इसको लेकर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो में एंड तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताया, कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी मॉर्निंग में और कल मैंने आपको बताया था कि इस महीने के अंत तक पीटीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 8 सितंबर को आपका पेपर हुआ था, लगभग 6 लाख जो फॉर्म गए थे उसमें से लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी और 5.5 लाख विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो इसी महीने में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, इस बार कल ही आपका रिजल्ट आ रहा है। मात्र 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट तैयार कर लिया है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बता देना चाहता हूं, राजस्थान के शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, उनके ट्विटर हैंडल पर अभी ट्वीट जारी हुआ है कि आपका जो पीटीटी का रिजल्ट है वो कल सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को बताया पीटीटी के एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, डूंगर कॉलेज बीकानेर पीटीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो कल जो है सुबह 10 बजे पीटीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। 5.5 लाख विद्यार्थियों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा सुबह 10 बजे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि यार इतना जल्दी रिजल्ट जारी हो रहा है। मात्र 10 दिन में आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि आगे की भी काफी लंबी प्रोसेस होगी। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद में आपके काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड काफी सारे राउंड होंगे, कट ऑफ जारी होंगी, बहुत ज्यादा जो है प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद में आपकी फीस जमा होगी, आपका एडमिशन होगा, तो ये सारी प्रोसेस होने वाली है। तो इन सारी प्रोसेस में समय लगेगा, इसलिए राजस्थान सरकार जल्द ही आपका रिजल्ट जारी कर रही है। तो कल सुबह 10 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा और होपफुली सभी विद्यार्थियों का नंबर आना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख सीट कम नहीं होती है, 1.5 लाख सीट बहुत ज्यादा है। और 1.5 लाख की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से विद्यार्थी बैठे हैं इस एग्जाम के अंदर, 5.5 लाख विद्यार्थी बैठे हैं और 1.5 लाख सीट है। तो अगर हम देखें, एक अनुमान लगाएं कि कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो एक सीट के ऊपर 4 विद्यार्थी हैं, 4 में से 1 विद्यार्थी सेलेक्ट होने वाला है जिस हिसाब से आपकी संख्या है। वहीं कट ऑफ की मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगभग आपके 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपके जो नंबर है 350 के आसपास आ रहे हैं तो आपका आसानी से नंबर आ जाएगा, क्योंकि पेपर काफी अच्छा था तो कट ऑफ भी ज्यादा वैसे नहीं जाएगी, लेकिन 400 या 350 तो आपके नंबर होने चाहिए तभी आपको कॉलेज मिलेगी। थोड़ा आगे का मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका रिजल्ट जारी होगा तो आप अपना रिजल्ट देखेंगे, आपके रिजल्ट में आपके मार्क्स दिए हुए होंगे, आपके मार्क्स दिए होंगे कितने नंबर आपके आए हैं, और उसके बाद में फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 रुपए का फीस पे करना पड़ता है और 5,000 का फीस आप पे कर देंगे और उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में आता है रिजल्ट, उसके बाद में आता है रिजल्ट कि भाई ये आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है। कॉलेज मिली है तो बाकी की फीस आपको जमा करानी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपको वापस से काउंसलिंग का मौका दिया जाए, अगर नहीं दिया जा रहा आपको काउंसलिंग का मौका तो सीट आपको नहीं मिलेगी और इसके बाद में फिर दोबारा आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। तो ये पूरा कुछ जो है प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली कुल मिला के बात यही है कि कल सुबह 10 बजे पीटीटी का रिजल्ट जारी हो रहा है, आप अपने रोल नंबर तैयार रखें, कल अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हो सकता है मैं भी लाइव आकर या आपसे डिस्कस कर लूंगा कि भाई रिजल्ट आ चुका है, कितना क्या रिजल्ट रहा है, अब आगे की क्या प्रोसेस होगी, काउंसलिंग कब होगी, सारी डिटेल मैं आपको कल एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो अब आपका बीएड में एडमिशन तो हो ही जाएगा, यहाँ पर 1.5 लाख सीट है, लेकिन जब आप बीएड में एडमिशन के साथ में किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या आरपीएससी, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप है जहां पर फ्री स्पेशल क्लासेज होती है, प्लस भी क्लासेज होती है, तो आप फ्री स्पेशल क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी वहां पर पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज हो रही है एसएससी कैटेगरी के अंदर। सुबह मेरी 8 बजे क्लास होती है, उसके बाद 11 बजे क्लास होती है, शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो आज आप शाम को 8 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं स्टडी जीके आपको पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करें, क्लास ओपन हो जाएगी और अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, मेरे प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अब तक की लेटेस्ट अपडेट यही है, कल सुबह रिजल्ट आ रहा है, तो होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा हो। धन्यवाद।